बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स और एनिमल्स भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम शहरयार और मेरे चैनल का नाम लव पेट एस ए। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ऑस्ट्रेलियन पैरोट बजीज पैरोट से आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं और उनके उन कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है। पहले से बहुत अच्छे रेट हो चुके हैं उनके, जो अच्छे रेटों में उनको सेल कर सकते हैं। अगर हम जाल रेट की बात करें तो जाल रेट पे भी अच्छे रेटों में जा रहा है। तकरीबन जो बिल्कुल तैयार पियर है अडल्ट जो होता है वो आपका जा रहा है 500 का, और उसके अलावा जो पट्ठे वगैरह हैं वो भी अच्छे रेट में जा रहे हैं, तकरीबन 400 का जा रहा है तकरीबन ना। और अगर मार्केट में डायरेक्ट सेल करें तो तैयार पियर जो है तकरीबन 700-800 का जा रहा है और पट्ठा तकरीबन 500-600 रुपये का जा रहा है। तो चलें आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं और बात कर लेते हैं पैरोट के बारे में कि आप किस किस तरह के पैरोट रख सकते हैं और उनको किस तरह से उनको ब्रीड ले सकते हैं, उसमें किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक अच्छे रेट में आप उनको सेल और परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, तो अब तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी, आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन पैरोट से अच्छी ब्रीड आए और अच्छे अंडे बच्चे हों, और ये जो है तकरीबन अगर अच्छा पियर लेंगे तो ये अंडे बच्चे भी अच्छे करते हैं। एक वक्त में तकरीबन 3-4 अंडे बच्चे कर देते हैं, और इसमें जो नॉर्मल बजीज होते हैं उनके रेट अलग हैं। अगर आप अच्छे बर्ड्स लें, जैसे ये आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर एक वीडियो कि ये ब्लैक फेस ब्लैक विंग बजीज हैं, तो ये जो है इनका एक अलग ही हिसाब होता है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेट होते हैं इनके। इस तरह का अगर आप सेटअप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप नॉर्मल बजीज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए अगर करेंगे तो आपको पूरी कॉलोनी लगानी पड़ेगी, और कॉलोनी लगाने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपको रेट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा, अंडे बच्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे जो हैं एक्सपेंसिव बर्ड जो हैं वो रखें ताकि आपको मुनाफा हो और आपको बचत हो सके, और कॉलोनी में आप उसको लगा लें ताकि आपको आराम से उसका जो है ना अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकें अपना। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि आपको रेट्स वगैरह से और तमाम चीज़ों से अपडेट करते रहें। और उसके अलावा देखिए जो है ये ब्रीड वगैरह बहुत जल्दी कर लेते हैं घर के अंदर, इनको बचत करनी हो दाने की तो वो भी दे सकते हैं। नॉर्मल आप केज में उनको दाना दे दें, और उसके अलावा आप इनको लूसन दे सकते हैं, घर की सब्जियां दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह में दे सकते हैं, गाजर वगैरह दे सकते हैं, तो ये आराम से खा लेते हैं। ये तमाम बर्ड्स के अंदर सबसे अच्छा बर्ड्स है, और जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है आप इस टाइप के बर्ड रखेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। ये थोड़े से नॉर्मल बजीज से थोड़े से महंगे होते हैं। ये होगोरोमो है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये होगोरोमो की नस्ल है। इससे भी थोड़े अच्छे पियर और अच्छे रेट होते हैं, इसकी भी आप सेटअप लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। और उसके अलावा इसके चिक्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं माशाल्लाह से। एक वक्त में ये तकरीबन 6-7 अंडे 8 अंडे और 6-7 बच्चे दे देते हैं, और ये हर माहौल में एडजस्ट होते हैं। आजकल लोग घरों में सबसे ज़्यादा पालते ही ऑस्ट्रेलियन पैरोट हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चों का शौक़ होता है, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरोट पाल लेते हैं जिससे उनको बहुत मुनाफा होता है। और ये देख सकते हैं ये पाइट में है, ये अपना रेम्बो है, ये भी रेम्बो है। इस तरह का बर्ड्स आप रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छे रेटों में मुनाफा मिलेगा आपको। आपके पास कम पैसे हैं जिससे आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं परिंदों का, सबसे बेस्ट जो है ये बजीज ऑस्ट्रेलियन पैरोट हैं जो नॉर्मल आपको मिलेंगे। और अगर आप रेम्बो पे काम करना चाहेंगे तो उसके जो है ये जो शो हो रहा है स्क्रीन पर वो थर्स के लास्ट रेम्बो है, उसके कलर भी बहुत डाउन है, और उससे अच्छा तो आप ये नॉर्मल बजीज वगैरह रख सकते हैं। तो आप तकरीबन ये जो अब शो हो रहा है ये भी रेम्बो बजीज है, बहुत अच्छा रेम्बो है, इसका कलर भी अच्छा है, अच्छे रेटों में बिकता है और अच्छा मुनाफा होगा आपको। और उसके अलावा आप ये है कि इसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इसका दाना पानी भी बहुत कम रेट में होता है, तो जिसको इसका बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो लाजमी स्टार्ट करें। और ये होगोरोमो है वाइट के अंदर, इसका भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, इसके भी बहुत अच्छे रेटों में मिल जाता है ये आपको। मगर मेरे आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको शौक़ है तो ऑस्ट्रेलियन पैरोट से स्टार्ट करें, नॉर्मल बजीज से। अगर अच्छे पैसे हैं तो फिर एक्सपेंसिव बजीज होते हैं किंग साइज, इसके अंदर होगोरोमो है, टीसीबी है, और उसके अलावा बिग साइज है, जो भी इसमें आते हैं ना तो उसको आप लाजमी स्टार्ट करें, और उस पर यह कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।